हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें आपको बताऊंगा कि पैन कार्ड करेक्शन करने के लिए या पैन कार्ड न्यू अप्लाई करने के लिए उसमें जो फ़ोटो और सिग्नेचर देना पड़ता है, वो फ़ोटो और सिग्नेचर आपको जो साइज़ देना पड़ता है, फ़ोटो का साइज़, उसके बाद सिग्नेचर का साइज़ कैसे बनाएं और उसमें जो फिट हो सके ऐसे साइज़ कैसे बनाएं, मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो इसके लिए आप प्ले स्टोर में एक प्ले स्टोर ओपन करेंगे, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर ओपन करने के बाद उसमें सर्च करेंगे सर्च बार में FORM फॉर्म PHO फोटो फॉर्म फोटो एडिटर, ये नीचे दोनों बार में जो दिखाई दे रहा है फॉर्म फोटो एडिटर, उसमें क्लिक करेंगे तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते जाइएगा तो ये नीचे स्क्रॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है, 1, 2, 3, 4 नंबर में जो दिखाई दे रहा है फॉर्म फोटो मेकर रिसाइजर को बेट, इसको इस पर क्लिक करेंगे, ये जो दिखाई दे रहा है आपको क्लिक करेंगे लाल बटन वाला इस पर, फिर उसको ये तो हमने फिर इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ये मेरे मोबाइल में ये इंस्टॉल था इसलिए दिखा रहा हूँ, ये इसको आप इंस्टॉल में क्लिक करके आप इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद सिंपली इसमें ओपन में क्लिक कर लीजिएगा। ओपन में क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें एक टेम्पलेट और एक कस्टम दिखाई देगा, एक टेम्पलेट एक कस्टम, ये जो कस्टम का बटन है, कस्टम का बटन में आप अगर क्लिक करेंगे तो आप अपने हिसाब से जो भी साइज़, जो भी वेट, हाइट, सी एम पिक्सल MM, IN ये सब में आप बना पाएंगे, ये अपने अपने मुताबिक आपने जितना चाहिए इतना बना सकते हैं, उसके बाद मैक्सिमम फाइल साइज लिमिट भी कर सकते हैं या ड्रम टाइप करके, उसके बाद फ्री क्वालिटी सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर टेम्पलेट में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसमें आपको जिस भी जो भी ये सर्च बार में जाएंगे तो हमको तो पैन कार्ड जो NSDL के थ्रू करेक्शन किया जाता है उसको फोटो और सिग्नेचर के लिए बनाना है, तो सिंपली हमें PAN क्लिक करने के बाद ये पहले ही 4 ऑप्शन दिखाई देगा आपको, जिसमें पहले पैन कार्ड NSDL के थ्रू जो करेक्शन किया जाता है उसमें फ़ोटो मेकर के लिए फ़ोटो बनाने के लिए जो ये पहले ऑप्शन रहता है दूसरे सिग्नेचर का, और अगर आप UTI के ज़रिए अगर बनाना चाहते हो तो UTI का भी ऑप्शन उसमें दिया हुआ है, सिंपली आप फ़ोटो मेकर पर क्लिक करेंगे तो आपको अगर फ़ोटो बनाना तो पहले में क्लिक करेंगे, करने के बाद आप सिलेक्ट फाइल में क्लिक करेंगे और जो भी आपने सिंपली रखा हुआ है उसको टाइप कर देंगे, उसके बाद उसको आप रिसाइज कर सकते हैं जितना भी चाहे करके, उसमें उसको आप सिंपली ऊपर जो ये टिक बटन क्लिक जो दिखाई दे रहा है उसमें क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आपका फ़ोटो बन जाएगा, उसके बाद वो डायरेक्ट आप उसी से कॉपी करके वो फाइल सिलेक्ट करके आप पैन कार्ड करेक्शन या न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं उस फोटो के ज़रिए, तो सिंपली ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगा, गैलरी में उसके बाद बैक करेंगे, करने के बाद आप अगर आपको सिग्नेचर भी करना है, आपको सिग्नेचर भी साइज़ करना है तो पहले PAN पेन क्लिक करके, उसके बाद ये दूसरा ऑप्शन जो सिग्नेचर का है उस पर क्लिक करके सिंपली आप किसी भी यहाँ से सिलेक्ट करके किसी भी सिग्नेचर को, किसी भी अगर आपका ये सिग्नेचर दिया हुआ है तो किसी भी सिग्नेचर को आप ऐसे करके सिग्नेचर को टिक कर सकते हैं और उसको रिसाइज भी कर सकते हैं, और ये पैन कार्ड के लिए बहुत सही होता है, और उसमें पूरा जो पैन कार्ड के लिए जो साइज चाहिए था वो पूरा दिया रहता है और आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं होगा, उसमें सिंपली आप टिक में क्लिक करेंगे।